हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ पीटी के कुछ क्वेश्चंस, और ये रियल क्वेश्चंस हैं एसबीआई पीओ प्री एग्ज़ाम के। और ये क्वेश्चंस पूछे गए थे 7/7/2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये मोस्ट रिसेंट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस की मदद से आपको आइडिया लगेगा कि आगामी आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम और आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम जो कि 4 या 5 महीने के अंतराल में होने वाले हैं। जैसे आईबीपीएस पीओ तो अक्टूबर में होने वाला है और आईबीपीएस क्लर्क दिसंबर में पी जिसका होगा, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये मोस्ट रीसेंट पैटर्न है और इसकी मदद से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। ये टेस्ट सीरीज डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है, इसको आप ले सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और ये एक ऑफर मैं चला रहा हूँ आईबीपीएस क्लर्क 2018 के लिए, एक श्योर सक्सेस टारगेट बैच एक मैंने क्रिएट किया है, और इसको यदि आप रिलीजियसली पूरा फॉलो करते हैं तो 100% गारंटेड सक्सेस आपको आईबीपीएस क्लर्क में मिल सकती है। इसमें पूरा इंग्लिश पढ़ाऊंगा मैं आपको, प्री एंड मेंस का, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जी के इसमें पढ़ाई जाएगी। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की है, लेकिन 6 मंथ की वैलिडिटी इसमें फ्री दी जाएगी, तो 12 मंथ की वैलिडिटी रहेगी इसमें। ये कोर्स बाइलिंगुअल रहेगा, पूरा सिलेबस इसमें कवर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और स्ट्रेटजी के वीडियोस इसमें आपको दिए जाएंगे। और इफ़ेक्टिव जो इसकी प्राइस है वो बहुत ही कम आपको पड़ेगी, ना के बराबर इसकी प्राइस पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्राइस है इसमें मैं 1 साल तक आपको कंटिन्यूस गाइडेंस इसमें दूंगा। इसमें वोकेबलरी की ई बुक्स आपको दी जाएंगी जिनका MRP जो है वो 894 रुपये है, और इसमें अड्डा 247 की एक प्रीमियम टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी जिसकी वर्थ जो है वो 1200 रुपये है, और जिसमें 80 टेस्ट हैं। तो ये दोनों चीज़ें, ई बुक और ये टेस्ट सीरीज जिसकी प्राइस 1200 रुपये है, ये दोनों आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स के साथ दिए जाएंगे। और इसमें एक्स्ट्रा GST आपको नहीं देना है, GST भी इसी में इंक्लूड है। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस कितना कम है, और इस कोर्स का जो कंटेंट होगा वो रीसेंट एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, नया पैटर्न जो आ रहा है उस पर पूरी तरीके से बेस्ड होगा। और इसको आप पूरी तरीके से आप फॉलो करते हैं तो 100% आपको सक्सेस मिल सकती है आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम में। इसमें मैं केवल 200 स्टूडेंट को ही एडमिशन दूंगा, 189 स्टूडेंट इसमें ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, तो इसलिए इसमें आप जल्दी से जल्दी एडमिशन, आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं। 200 स्टूडेंट होने से पहले आपको इसमें एडमिशन लेना है, और यदि आप इसको एडमिशन लेते हैं और सिंसियरली आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित सफलता आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम में मिल सकती है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इसको क्लिक करके इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये एक सेंटेंस है, और इस तरह के सेंटेंस बैंक पीओ एग्ज़ाम और बैंक क्लर्क एग्ज़ाम में इस समय पूछे जा रहे हैं। ये बेसिकली पैराजंबल है, और पैराजंबल में जो बोल्ड पार्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, इस पार्ट को आपको अरेंज नहीं करना है, ये पार्ट हमेशा यहीं पर रहेगा। बाकी के जो ABCD जो पार्ट हैं उन पार्ट को आपको अरेंज करना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ये आंसर निकल के आएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखिए मैं बताता हूँ आपको, चाइनीज़ ऑफिशियल्स से, तो ये तो सही है, चाइनीज़ ऑफिशियल से, चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेंटेंस चाहिए, एक नाउन चाहिए कि वो क्या कहते हैं, चाइनीज़ ऑफिशियल से वो कहते हैं लेकिन क्या कहते हैं। तो उसके बाद वर्ब तो आएगी नहीं, ड्रॉप नहीं आ सकता इसके बाद। इसके बाद देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये भी नहीं जुड़ सकता, चाइनीज़ ऑफिशियल से लो बिकॉज ऑफ, कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। चाइनीज़ ऑफिशियल से ये भी नहीं कह सकते द वर्ल्ड इकोनॉमी, चाइनीज़ ऑफिशियल से दे से समथिंग अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमी, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी वर्ड नहीं आ सकता। यहाँ पर एक सेंटेंस चाहिए आपको जो नाउन की फॉर्म में हो। तो चाइनीज़ ऑफिशियल से वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़, यहाँ से सेंटेंस आपका बन सकता है। देखिए, थोड़ी सी भी आपको कॉमन सेंस यदि आप अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा भी आप लॉजिक अप्लाई करते हैं, तो इन सेंटेंसेस को देखिए, एक सेंटेंस को करने के लिए आपको बैंक एग्जाम में 40 सेकेंड का टाइम मिलता है, और मेन्स एग्जाम में तो ज़्यादा टाइम मिलता है, 50 सेकेंड का टाइम मिलता है मेन्स एग्जाम में। और यदि आप कॉमन सेंस और लॉजिक अप्लाई करते हैं तो विद इन 5 सेकेंड इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे पहले आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़, अब यहाँ पर हैज़ लगा है तो इसके बाद एक वर्ब चाहिए जो थर्ड फॉर्म में हो, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस जुड़ सकता है क्योंकि इसमें जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में है। तो पहले आएगा आपका सी और उसके बाद आ जाएगा आपका ए। ये जो पार्ट है ड्रॉप्ड टू ए 3 ईयर लो, ठीक है,
इसके बाद आ जाएगा आपका ए। आपने केवल दो लेटर देखे, पहले आ जाएगा सी, ठीक है, चाइनीज ऑफिशियल से इकोनॉमिक ग्रोथ हैज ड्रॉप्ड टू आर थ्री, या सी ए, ठीक है। अब सी ए कॉम्बिनेशन इसमें बनेगा, अब सी ए का कॉम्बिनेशन इसमें केवल एक ही है। यदि ऐसे होता कि सी ए बी डी, सी ए डी बी, सी ए ई डी, ऐसे अगर होता तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत थी, ठीक है। लेकिन चूंकि सी ए बी डी का ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया गया है, इसलिए आपका आंसर होगा फोर। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो विद इन 4 और 5 सेकेंड इस तरह के क्वेश्चन को पूरी एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है, सी ए बी डी होगा। तो अब इसका आंसर, अब इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। चाइनीज ऑफिशियल से इकोनॉमिक ग्रोथ हैज ड्रॉप्ड टू ए 3-year low बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब देखिए सेंटेंस सही बन गया, चाइना के ऑफिशियल कहते हैं कि इकोनॉमी ग्रोथ हैज ड्रॉप्ड टू ए 3-year low, मतलब इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो 3 साल के सबसे निम्नतम बिंदु पर आ गई है। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के कारण ऐसा हुआ है। तो पूरा सेंटेंस यहाँ पर मीनिंगफुल तरीके से बन रहा है। अब देखिए बैंकिंग एग्जाम में टाइम का जो फैक्टर है वो एक बहुत ही क्रूशल फैक्टर है, और टाइम फैक्टर को आप तभी मैनेज कर सकते हैं जब आप स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस को करें, जब आप लॉजिक लगा के और कॉमन सेंस लगा के और ट्रिक के साथ क्वेश्चंस को करें। यदि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारे वर्ड्स के मीनिंग निकालेंगे, तो उस क्वेश्चन को 40 सेकंड में भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, उस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैं वही ट्रिक लगाऊंगा। यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, ये इसके ऑप्शन हैं। आई थिंक इट इज़ ए शेम दैट, मुझे लगता है कि ये एक शर्म की बात है, ये शर्मनाक है, ठीक है। क्या शर्मनाक है उसके आगे आपको बोलना पड़ेगा। आई थिंक इट इज़ ए शेम दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, ये यहाँ से जुड़ सकता है, ठीक है। सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स तो इसमें आएगा, ठीक है। आई थिंक इट इज़ ए शेम दैट स्टडीड से नहीं बनेगा। आई थिंक इट इज ए सेम दैट कॉलेज विदाउट, इससे नहीं बनेगा। आई थिंक इट इज ए शेम दैट, नहीं, इससे वर एबल टू ग्रेजुएट नहीं बनेगा। यानी किसी भी कंडीशन में ये जो सेंटेंस है ये आपका फर्स्ट सेंटेंस इसमें रहेगा। आप कहीं से भी लॉजिक लगाइए, आई थिंक इट इज ए शेम दैट, मतलब दैट के बाद यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट चाहिए। आई थिंक इट इज ए शेम, मतलब मुझे लगता है कि एक शर्मनाक चीज है। तो क्या चीज एक शर्मनाक चीज है, मतलब इसके आगे आपको एक स्टेटमेंट चाहिए। आई थिंक इट इज ए शेम दैट सम फॉरन लैंग्वेज टीचर्स, इसके साथ, ठीक है। अब देखिए, मतलब ए सबसे पहले आएगा। अब देखिए ए का ऑप्शन इसमें एक ही है, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आपने सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी आपने आंसर निकाल दिया, और वो भी 4 या 5 सेकेंड में। ये संभव कैसे हुआ? ये संभव हुआ कॉमन सेंस और लॉजिक से, क्योंकि मुझे पता है कि आई थिंक इट इज ए शेम के बाद एक स्टेटमेंट चाहिए, और बाकी जो दूसरे ऑप्शन है, देखिए अगर आप स्टडी लगाएंगे तो देखिए यहाँ से नहीं बनेगा। आई थिंक इट इज ए शेम दैट स्टडीड विद ए नेटिव स्पीकर, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। यहाँ पर दैट के बाद आपको एक्चुअली एक सब्जेक्ट चाहिए, जैसे इसमें सब्जेक्ट है सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, स्टडीड से एक सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। कॉलेज से देखिए, कॉलेज से सेंस बनाते हैं। आई थिंक इट इज ए शेम दैट कॉलेज विदाउट एवर हैविंग, सेंस नहीं बन रहा इसका, ठीक है। आई थिंक इट इज ए शेम दैट वर एबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम, नहीं, इसका सेंस नहीं बन रहा। यहां से इसका सेंस बन रहा है, आई थिंक इट इज ए शेम दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स वर एबल टू ग्रेजुएट, ठीक है। ये एक शर्म की बात है कि फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स जो हैं वर एबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज विदाउट एवर हैविंग स्टडीड विद ए नेटिव स्पीकर, बिना स्टडी किए, नेटिव स्पीकर के साथ बिना स्टडी किए वो लोग सक्षम थे ग्रेजुएट करने में, ये सेंटेंस का मतलब है, ठीक है। तो ए डी सी बी यहाँ पर इसका सही आंसर है, और इस तरीके से करते हैं तो 4-5 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप स्कोर अचीव कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है। अब देखिए ये है, इसको पढ़ते हैं, और इसका ये ऑप्शन हैं इसके। द गीता इज ए स्पिरिचुअल फिलोसफी, ठीक है, एड्रेस टू ऑल, ये सही है कि इसके बाद यहाँ पर देखिए द गीता ये स्पिरिचुअल फिलोसफी एंड वी नो दैट, यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से देखते हैं। द गीता ये स्पिरिचुअल फिलोसफी देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ, नहीं, यहाँ से नहीं बन रहा इसका। द गीता ये स्पिरिचुअल फिलोसफी ईच काइंड, नहीं, यहाँ से भी नहीं बन रहा। द गीता ये स्पिरिचुअल फिलोसफी क्वाइट सिग्निफिकेंट फ्रॉम अदर्स, यहाँ से भी नहीं बन रहा। देखिए द गीता इज स्पिरिचुअल फिलोसफी एड्रेस टू ऑल, गीता में ऐसी बातें लिखी गई हैं
जिनका जो कंसर्न है वो सभी लोगों से है, वो सभी लोगों के बारे में बोली गई हैं। तो ये जो सेंटेंस बन रहा है ये सही बन रहा है, द गीता इज ए स्पिरिचुअल फिलोसफी एड्रेस टू ऑल एंड वी नो। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटेंस पूरा बन गया आपका, देखिए, द गीता इज ए स्पिरिचुअल फिलोसफी एड्रेस टू ऑल। गीता एक ऐसी फिलोसफी है जिसमें सभी लोगों के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस यहाँ से बन रहा है, एंड वी नो दैट, ठीक है, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपुल ईच काइंड डिफरिंग क्वाइट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर। ये बात बिल्कुल सही है कि जो जो इस दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं और अलग अलग तरीके के जो लोग हैं उनकी मेंटेलिटी भी अलग अलग तरीके की है। तो ये पूरा सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है, इसका जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल सही है और इसका आंसर होगा नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, 5 इसका सही आंसर होगा। और किसी तरीके से इसको बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने सेंस क्या लगाया इसमें कि द गीता इज ए स्पिरिचुअल फिलोसफी एड्रेस टू ऑल, ये यहाँ तक सेंटेंस सही है। फिर एंड की मदद से हमने दूसरा सेंटेंस बनाया इसमें और वो सेंटेंस भी सही निकला, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं पर कोई अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये फिलर्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इसके ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस देख लेते हैं। दे वुड लाइक लोकल अथॉरिटीज टू बी गिविन, दे वुड लाइक वे चाहेंगे, वे ऐसा चाहेंगे, ठीक है, वे कैसा चाहेंगे, दे वुड लाइक लोकल अथॉरिटीज टू बी गिविन। टू बी गिविन जो है ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आपका जो डूअर है वो उसके ऊपर कोई काम होगा, मतलब वो एक्शन का रिसीवर होगा। टू बी गिविन, जब टू बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस होता है, और पैसिव वॉइस का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं होगा, वो रिसीवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम होगा, ये सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम होगा। तो इसके ऊपर हम कोई काम करके देखते हैं, यदि कोई सेंस निकलता है तो वो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। दे वुड लाइक लोकल अथॉरिटीज टू बी गिविन, मतलब वो लोग चाहते हैं कि लोकल अथॉरिटीज को दिया जाए। ठीक है, क्या चीज़ दिया जाए, ग्रेटर, उनको थोड़ी ज़्यादा दी जाए। ज़्यादा क्या चीज़ दी जाए ये यहाँ पर आपको लगाना है। ग्रेटर अफेयर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, फंक्शन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ग्रेटर अथॉरिटी अगर होता तो वो आ सकता था कि लोकल अथॉरिटी को ज़्यादा अथॉरिटी दी जाए, ज़्यादा पावर दी जाए। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ सकता था, लेकिन अफेयर और फंक्शन कि ज़्यादा फंक्शन दिए जाए कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा अफेयर दिए जाए कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा ओमिशन, ओमिशन का मतलब हटाना होता है, ज़्यादा स्टेटमेंट दिए जाए कोई मतलब नहीं है, मतलब ये तो पूरी तरीके से गलत हैं और ये थोड़े से गलत हैं। अफेयर्स, जैसे उनको ज़्यादा अफेयर दिया जाए, क्या सेंस निकल रहा है इसका कि उनको ज़्यादा अफेयर दिया जाए या उनको ज़्यादा फंक्शन दिए जाए। ठीक है, अब देखिए डिस्कशन का क्या मतलब है, डिस्कशन का मतलब होता है निर्णय लेने की आज़ादी, डिसीजन मेकिंग पावर या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो ये सही है यहाँ पर, क्योंकि अथॉरिटी जो होती हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। ठीक है, तो उस सेंस के हिसाब से डिस्क्रेशन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये बैंक पीओ के रियल क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और दीज क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है और ये रियल क्वेश्चंस हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन SBI PO जो अभी एग्जाम हुआ था अगस्त में, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस की मदद से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज कोई हवा नहीं है, इससे आपको डरना नहीं है, इसको आपको फेस करना है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है, लॉजिक अप्लाई करना है, आराम से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं और 30 में से 20 क्वेश्चन इस समय का जो करंट पैटर्न है उसमें आप आराम से ला सकते हैं। और 20 क्वेश्चन यदि आप लाते हैं तो ना केवल आपका सेक्शनल कट ऑफ बल्कि ओवरऑल कट ऑफ और उससे ऊपर बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स बन सकते हैं। लेकिन यदि आप तुक्का मारेंगे, आप मन से आइडिया लगाएंगे, रैंडमली क्वेश्चंस को करेंगे तो आप नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं, नेग्लिजेंस है, अपॉर्चुनिटी है, सर्विलेंस है, सप्लाई है और एडवोकेसी है। इन ए 10 बिलियन ईयर ओल्ड गैलेक्सी, गैलेक्सी आप जानते होंगे ज्योग्राफी का वर्ड है, आकाश गंगा जिसमें तारे होते हैं, तारामंडल होता है। इन ए 10 बिलियन ईयर ओल्ड गैलेक्सी देयर शुड हैव बीन एम्पल फॉर एटलीस्ट वन स्पीसीज टू स्केप इट्स ओन मैस एंड टू स्प्रेड अक्रॉस द स्टार्स फिलिंग एवरी निश। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो गैलेक्सीज बनी हैं, जो स्टार्स बने हैं वो किस तरीके से बने हैं।
इन ए 10 बिलियन ईयर ओल्ड गैलेक्सी देयर शुड हैव बीन मतलब ऐसा ऐसा रहा होगा, देयर शुड हैव बीन ऐसा जरूर हुआ होगा, देयर शुड हैव बीन एम्पल। अब एम्पल जो वर्ड है उसका मतलब होता है पर्याप्त। तो स्टार्स के साथ हम सप्लाई वर्ड तो यूज करेंगे नहीं, ठीक है, सप्लाई का तो कोई सेंस नहीं है। स्टार्स के साथ एडवोकेसी का मतलब सपोर्ट होता है, सर्विलेंस का मतलब ऑब्जर्वेंस होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होता है, नेग्लिजेंस का कोई सेंस नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो अपॉर्चुनिटी हम लगा सकते हैं और अपॉर्चुनिटी वर्ड एम्पल के साथ वैसे भी जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा अपॉर्चुनिटी के 10 बिलियन ओल्ड गैलेक्सी में देयर शुड हैव बीन एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर एटलीस्ट वन स्पीसीज। 10 बिलियन ओल्ड गैलेक्सी में कम से कम एक स्पीसीज के पास तो जरूर ऐसी अपॉर्चुनिटी रही होगी कि वो एस्केप कर सके अपने ओन मैस से और स्प्रेड कर सके स्टार्स के साथ। ये इसका सेंस है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन इसको भी यदि आप सेंस लगाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी इलिमिनेट करके आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप लॉजिक लगाएं, दूसरा तरीका यदि लॉजिक नहीं लग पा रहा है तो उसके बाद फिर आप इलिमिनेट करके सही आंसर तक आप पहुंच सकते हैं कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, तो उसके बाद इलिमिनेट करके आप सही आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। तो दो या तीन तरीके हैं, इन तरीकों को आप अप्लाई करते हैं तो आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये है आपका 6th क्वेश्चन और इसमें मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स, एक्यूरेसीज, ऑब्स्टेकल्स और डिस्प्यूट्स, ये 5 ऑप्शन दिए हैं। इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इट वुड टेक मी टू करेक्ट ऑल द इन योर रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट में प्रॉब्लम्स नहीं होती, रिपोर्ट एक्यूरेसीज को हम करेक्ट नहीं करते, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स को ऑब्स्टेकल्स नहीं होती रिपोर्ट में, रिपोर्ट में डिस्प्यूट नहीं होते, रिपोर्ट में होती है मिस्टेक्स। तो मिस्टेक यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है, रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम नहीं होती, एक्यूरेसीज नहीं होती, ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स का अर्थ होता है अवरोध नहीं होती, डिस्प्यूट का अर्थ होता है विवाद, ठीक है, विवाद हो सकता है, रिपोर्ट में डिस्प्यूट हो सकता है लेकिन उसको आप फिजिकली करेक्ट नहीं करते, उसको आप अलग तरीके से करेक्ट करते हैं, इसलिए मिस्टेक यहाँ पर सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आई हैव रिसेंटली यूज द सर्विस ऑफ हिज एजेंसी टू बुक अ क्रूज। क्रूज क्या होता है, पानी में जो जहाज चलता है, जो शिप होता है उसको हम बोलते हैं क्रूज, ठीक है, तो उसका संबंध इनमें से किस चीजों से है, उसका संबंध जो है क्रूज का वो है ट्रेवल से। और एजेंसी जो वर्ड है, ये यहाँ पर जो एजेंसी वर्ड दिया है ये ट्रेवल के साथ अच्छे तरीके से जुड़ सकता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ट्रेवल। इनकर्जन जो होती हैं वो शॉर्ट ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, क्रूज में हम जाते हैं लंबी ट्रिप पर, इनकर्जन शॉर्ट ट्रिप्स होती हैं। डिपोर्टेशन मतलब किसी व्यक्ति को बाहर निकालना, एक्सपेल करना देश से, ट्रांसफर मतलब अलग चीज़ है, ट्रांसफर तो फिजिकल प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, मूवर भी हम फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, ट्रेवल यहां पर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन 8 देखते हैं, इसमें ऑप्शन क्या है, ग्रोथ है, एस्टिमेशन है, कंसिडरेशन है, गाइडेंस है और सजेशन है। अ ट्रू ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का संबंध किस चीज से है, यहां पर है इन्वॉल्व इन स्पोर्ट वुड इंक्लूड द अनपेड लेबर सर्विसेज। देखिए यहां पर हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, अनपेड लेबर सर्विसेज और पेड लेबर सर्विसेज, मतलब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, यदि मैं बोल रहा हूं पेड लेबर सर्विसेज और अनपेड लेबर सर्विसेज, ये सर्विसेज पेड है, ये सर्विसेज अनपेड है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इसका मतलब मैं रिसोर्सेज को एस्टिमेट कर रहा हूं, रिसोर्सेज का मैं एस्टिमेशन कर रहा हूं, उसका एक मेजर कर रहा हूं, उसका अंदाजा लगा रहा हूं कि कौन सी सर्विसेज पेड है, कौन सी सर्विसेज अनपेड है, तो यहां पर सही आंसर होगा आपका एस्टिमेशन, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। 9 देखते हैं, बोथ आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हैं और यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स, इसलिए हैज नहीं आएगा यहां पर, यहां पर आएगा हैव, और हैव का केवल एक ही ऑप्शन है इसमें, बाकी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। 3 सेकेंड में मैंने इसका आंसर निकाला और आपके सामने ये रियल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इंग्लिश के बारे में जो मिसकंसेप्शन है, जो लोग डरते हैं इंग्लिश से, इंग्लिश को एक हवा बना रखा है, वो ऐसा रियलिटी में बिल्कुल नहीं है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, एग्जामिनेशन हॉल में नर्वस आपको नहीं होना है, कूल माइंड से सारे क्वेश्चंस को करना है, कूल माइंड से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है टेस्ट सीरीज के थ्रू, और निश्चित सफलता आपको मिल सकती है IBPS PO में और क्लर्क में।
देखिए ही सैड टू, अब देखिए यहां पर हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले. ही इज सैड, वह दुखी है. ही सैड, वह दुखी है. ठीक है, अब यहां पर लगाए टू, तो यहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव होती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, हैज नहीं होती. हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम हैव को काउंट करते हैं, हैज को नहीं. और हैव का इसमें केवल एक ही ऑप्शन दिया है और आपका आंसर हो जाएगा थर्ड. अब देखिए इसका सही आंसर, सही इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूं. ही सेड टू हैव डिफ्रॉडेड मैनी पीपल ऑफ लाख्स ऑफ रुपीज टिल डेट, मतलब आज तक की तारीख में उसको इस बात का दुख है कि उसने लाखों लोगों को डिफ्रॉड किया है, उनको धोखा दिया है, उनसे लाखों रुपए का फ्रॉड किया है. तो हैव के बाद देखिए यहां पर टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हैव, और हैव के बाद आपको थर्ड थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म भी इसमें लगी हुई है डिफ्रॉडेड. ठीक है, तो उस लॉजिक के हिसाब से भी ये ऑप्शन सही है, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वैसे भी ये सही है. तो इस तरीके से अपने आंसर्स को आपको जस्टिफाई करना है कि मैं जो आंसर लगा रहा हूं वो सही है और मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूं या कर सकती हूं. ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर्स को लगाना है. ऐसा नहीं कि आपको डाउट है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और आपने तुक्का लगा दिया और आपका माइनस मार्किंग हो गई और सेक्शनल कट ऑफ भी आपका नहीं निकला. तो आपको अपने आंसर्स को, यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई योर आंसर्स, कि वट एवर ऑप्शन आई एम टिकिंग दैट इज द करेक्ट एंड आई कैन प्रूव इट राइट, आई कैन जस्टिफाई इट. तो ये सिचुएशन होनी चाहिए आपकी बैंकिंग एग्जाम को निकालने के लिए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो. यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई योर आंसर्स. ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही आप टेस्ट सीरीज दें और एग्जाम में क्वेश्चंस को करें. रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी, यहां पर हम ऑप्शंस देखते हैं. रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स मैनी वायरिंग एंड इज नॉट फीजिबल फॉर कनेक्टिंग टू मैनी नोड्स. आप देखिए सारी चीजों को भूल जाइए, यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, और यहां पर जो सेंटेंस बोला जा रहा है वो यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह बोला जा रहा है. यहां पर एक फैक्ट की हम बात कर रहे हैं कि रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्या होती है और वो किस तरीके से काम करती है. रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी ने पास्ट में क्या काम किया, फ्यूचर में क्या काम करेगी, ये हम नहीं बोल रहे हैं. हम एक फैक्ट की बात कर रहे हैं कि रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है. ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक फैक्ट है, और फैक्ट्स को हम लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में. ठीक है, तो इसके बाद रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो है ये सिंगुलर है. ठीक है, तो इसके बाद यहां पर एस आना जरूरी है, लेकिन वायरिंग जो है ये काउंटेबल नहीं है. वायरिंग को हम गिनेंगे थोड़ी, जैसे मैंने एक घर बनवाया और मैं ऐसे बोलूं कि मैं मेरे इस घर में 50 वायरिंग है या मेरे इस घर में 10 वायरिंग है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा. मैं ऐसे बोल सकता हूं मेरे इस घर में काफी वायरिंग है. तो वायरिंग के साथ मैनी वर्ड नहीं आएगा. इसका मतलब यहां पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और आपको ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें एस लगा हो. अब एस केवल फोर में लगा है, बाकी में एस नहीं लगा. देखिए इसमें एस नहीं है, इसमें एस नहीं है, इसमें एस नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा फोर. अब देखिए, अब इस आंसर का मैंने जस्टिफिकेशन बताए आपको, और इस आंसर को मैं जस्टिफाई कर सकता हूं कि इसका आंसर केवल और केवल फोर ही हो सकता है, बाकी क्वेश्चन इसके आंसर नहीं हो सकते. तो इस तरीके से, इस कॉन्फिडेंस के साथ इन क्वेश्चन को आपको करना है, प्री में भी और मेंस में भी. मेंस से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेंस में बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, 50 सेकंड मिलता है 1 सेकंड को करने के लिए, जो कि मोर देन सफिशियंट है. तो कहीं ना कहीं मेंस एग्जाम जो है वो प्री एग्जाम से ज्यादा डिफिकल्ट, ज्यादा सरल है. प्री एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन कम होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा है. यदि आप लॉजिक लगाएं तो कम होने के बावजूद भी वो टाइम जो मिलता है आपको प्री में वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो यहां पर मैंने नए पैटर्न के, रीसेंट पैटर्न के आपको 11 क्वेश्चन बताए हैं. इस वीडियो की मदद से आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में, इंग्लिश सेक्शन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको 5 सेकंड में करना है, ये भी मैंने मैं आपको बताया है, और किस तरीके से इन आंसर्स को, इन क्वेश्चंस को आप जस्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में इतना ही. अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, और यदि आप IBPS क्लर्क का टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन 200 स्टूडेंट होने के बाद इसमें आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इसमें एडमिशन आपको नहीं मिल पाएगा. अभी कुछ सीट्स इसमें बाकी हैं, तो आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं. इसमें आपको हमारी तरफ से टेस्ट सीरीज, एक प्रीमियम टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, और इसमें ई बुक्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी.
इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि सीट्स खाली होंगी तो लिंक एक्टिवेट रहेगी, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। यदि सीट्स भर जाती हैं इसमें तो लिंक जो होगी वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।